चलो जी शुरू कर रहे हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाओ। न्यू बुक में इलुस्ट्रेशन नंबर 6 है एक्स वाई जेड वाला, और पुरानी बुक में इलुस्ट्रेशन नंबर 7 है। न्यू बुक में इलुस्ट्रेशन नंबर 6, पुरानी बुक में इलुस्ट्रेशन नंबर 7 एक्स वाई जेड वाला। एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। फॉलोइंग वर द बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं मिसिज एक्स लोन। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखो, मिसिज एक्स लोन है, क्या मिसिज एक्स पार्टनर है या नहीं है? कहाँ पे दिया हुआ है? मिसिज एक्स पूछ रहा हूं मैं, एक्स नहीं पूछ रहा। तो मिसिज एक्स पार्टनर नहीं है, ये आउटसाइडर है, मतलब इसको क्रेडिटर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, जैसे बाकी क्रेडिटर्स या बैंक लोन को ट्रीट किया जाता है। उसके नीचे देखो, मिसिज एक्स लोन के नीचे है एक्स लोन, क्या एक्स पार्टनर है? पहली लाइन में पढ़ना एक्स पार्टनर है। क्या रेशियो है उसकी? 3:1। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व WCR हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब आपने यहाँ पे क्या ढूंढना है, कल हमने क्या डिस्कस किया था? अगर इन्वेस्टमेंट फंड है तो उसके सामने देखो कहीं पे इन्वेस्टमेंट है एसेट साइड पे, तो इसका अलावा इन दोनों को रियलाइजेशन में लिख देंगे, और कैपिटल दी हुई है, और एसेट साइड पे आप लोगों को एक गुडविल दिया हुआ है। इस चैप्टर में गुडविल हमारा लॉस नहीं होता, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं डालना, बाकी एसेट्स की तरह उसको ट्रीट करेंगे। उसके बाद फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है, एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट, वाई टुक ओवर द डेटर्स, स्टॉक सोल्ड इतना, एक्सपेंसिस रियलाइजेशन के इतने हो गए, और एक लाइबिलिटी हो गई। क्या बोला हुआ इन्होंने, क्या बनाना है? देखना जर्नल एंट्रीज करनी है, क्या बनाना है? सबसे लास्ट लाइन देखो, सबसे लास्ट लाइन, प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट। तो नेसेसरी अकाउंट कौन से होंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट भी बनेगा एक्स का, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर कैश बुक। बनाओ पहले, चारों के चारों फॉर्मेट्स बनाएंगे। न्यू बुक के हिसाब से इलुस्ट्रेशन नंबर है 6। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट आपका 12-13 लाइनें ले जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट कम से कम 12-13 लाइनें ले जाएगा, कहने को मतलब कि हाफ पेज लेके जा सकता है रियलाइजेशन अकाउंट। ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखना है क्योंकि अकाउंट आ रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट के नीचे बनेगा पार्टनर, देखना किसका लोन है, एक्स का, तो एक्स लोन अकाउंट, एक्स लोन अकाउंट। हाँ बस दो लाइनों का बनेगा, ज्यादा नहीं। एक्स लोन अकाउंट के बाद बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तीनों का बनेगा एक्स वाई जेड, क्योंकि डेथ वाला चैप्टर नहीं है, वहां पे कभी कभी कम बनते होते थे। ऊपर डेबिट क्रेडिट, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका बनेगा कुछ 6-7 लाइनों का। फिर बनेगी आपके पास क्या बननी है, बैलेंस शीट बनेगी, यहाँ पे कैश अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बोल लो चाहे बैंक अकाउंट बोल लो, कुछ भी। राहुल ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कल अगर तू ये कहेगा ना क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये फॉर्मेट बनने होने चाहिए, और एसेट्स लाइबिलिटी के बैलेंसेस नोट करियो भाई मेरे, वो तो फिर तू अब जान के कुछ भी कर ले। सबसे पहले बैलेंसेस तो अंदर से नोट करेगा ना, तो बैलेंस सबसे पहले अंदर से नोट करेगा, क्या ट्रांसफर करने हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी, बैलेंस तो ट्रांसफर कर, उसको बोलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करना। जमा खाली छोड़ के आ गया, मेरे को बताओगे क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है ये वाला, इस चैप्टर में? हाँ वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप लोग सारी क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करने हैं ये वाला, रियलाइजेशन में सारी पहले एसेट्स को, हाँ एसेट्स में सबसे पहली आइटम देखो क्या है राहुल, पहली आइटम देख क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन निकाल के रख, क्वेश्चन निकाल के रखना है, सॉल्यूशन नहीं।
तो पहले बैंक बैलेंस है, कहां पे लिखेंगे बैंक बैलेंस को? हाँ राहुल, ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट होएगा, ठीक है? अब आगे समझ, पहले बैंक बैलेंस टू बैलेंस ब्रोट डाउन, क्योंकि बैंक बैलेंस है, अगर ओवरड्राफ्ट होता तो 22 से स्टार्ट होता। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, अमाउंट बोलो कितनी है बैंक बैलेंस की? 1,000। उसके बाद बैंक बैलेंस के बाद क्या है? डेटर्स। अब ये कहां पे आएंगे? छोड़ दे उसको, छोड़ दे उसको। हाँ, रियलाइजेशन के डेबिट में, सारी एसेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। टू डेटर्स कितने का? 15,000 या 14,000? 15,000। जो उसका प्रोविजन है वो बाय वाली तरफ, बाय प्रोविजन कितना? 1,000। अगली आइटम देखो क्या है, स्टॉक। टू स्टॉक 80,000। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बताओ कितनी है? 20,000। उसके बाद टू प्लांट 75,000। प्लांट के बाद देखो क्या दिया हुआ है, गुडविल। तो गुडविल भी यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में नहीं बांटना इस चैप्टर में, गुडविल भी नॉर्मली आपकी एक एसेट है, तो यहाँ पे टू गुडविल। पैंतीस हजार उसके बाद क्रेडिट वाली साइड पे देखो, पहली आइटम क्या है, फर्स्ट आइटम क्या है? क्रेडिटर्स। तो बाय वाली तरफ आ जाएगा, बाय क्रेडिटर्स। सारी एसेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं। बाय क्रेडिटर्स कितने हैं? 18,500। उसके बाद क्या है? मिस्टर नहीं है, ध्यान से पढ़ो, मिसिज है, तो वो भी आउटसाइडर है, वो भी क्रेडिटर कितने हैं, तो उसको भी यहां पे डाल दो। मिसिज एक्स लोन, मतलब उसकी बीवी, उसकी वाइफ हो गई, तो वो भी एज एन आउटसाइडर है। यहां तक हो गया, एक्स लोन बिजनेस में लाइबिलिटी साइड आ रहा है ना, तो एक्स का लोन अकाउंट अलग से बन रहा था, तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कितना? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 8,000। आगे क्या दिया हुआ है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ना। अब पहले एडजस्टमेंट पढ़ो जो नीचे दी हुई है, चार एडजस्टमेंट्स। क्या उसमें वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कोई पॉइंट दिया हुआ है? एडजस्टमेंट्स पढ़ो, क्या उसमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन के लिए कुछ गिवन है या नहीं? नहीं गिवन। सारी एडजस्टमेंट देख ली, अब ध्यान से, मैं आपके ट्रस्ट पे चल रहा हूं, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा। अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन में कुछ भी नहीं है, मतलब क्लेम जीरो है, तो सारा का सारा पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो। सबसे पहले बाय बैलेंस लिख लेना पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि ऊपर हमें बाय बैलेंस ब्रोट डाउन ओपनिंग कैपिटल चाहिए, फिर बांट दो बाय WCR। 15,000, 10,000, 5,000, मतलब टोटल 30,000 था, तो WCR को बांट दिया। WCR के नीचे देखो और क्या बच गया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट था ना, तो इन्वेस्टमेंट को हमने डेबिट साइड लिख दिया रियलाइजेशन के, तो अब क्रेडिट साइड लिख दो, बाय इन्वेस्टमेंट फंड। बाय इन्वेस्टमेंट फंड कितना है? 7,500। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। क्या क्या कैपिटल है? 60,000, 56,000, 40,000। राहुल, अगर कल कुछ भी नहीं होएगा तो कम से कम यहां तक तो करके आना। स्टेप मार्किंग होगी पेपर में, इतने के भी नंबर मिलेंगे। अगर 6 नंबर का पेपर है, ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर आपको ये बैलेंसिंग के मिलेंगे। कहने का मतलब है 1/3 मार्क्स तो आपको उसी चीज के मिल जाते हैं जो आपने बैलेंसिंग नोट डाउन कर लिया। यहां तक देखा जाए तो कुछ दिमाग नहीं लगाया। एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर किया हमने? रियलाइजेशन के डेबिट में। लाइबिलिटीज को पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस को पार्टनर्स कैपिटल में, लोन के बैलेंस को लोन में, कैश के बैलेंस को कैश में। तो बैलेंस तो नोट डाउन हो ही सकते हैं ना, मतलब कैश में वो बैलेंस आया था ना, वो टू बैलेंस ब्रोट डाउन। तो 6 में से 2 नंबर तो आपके स्टेप मार्किंग के पता लग गए, मतलब उसको ये पता है कि स्टूडेंट को कम से कम ये पता है कि क्वेश्चन स्टार्ट करना आता है। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट, देखना क्या है। पहली एडजस्टमेंट, एक्स ने टुक ओवर किया इन्वेस्टमेंट, तो ये ट्रांजेक्शन आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो क्या जर्नल एंट्री बनती है वैसे इसकी?
एक्स टू कवर द इन्वेस्टमेंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि एक्स बिजनेस की एसेट लेके जा रहा है तो अपनी कैपिटल में से काट लेंगे। 25% मोर देन बुक वैल्यू। अब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू देखो, बुक वैल्यू मतलब जो बुक्स के अंदर जो अंदर वैल्यू है। 20,000 का 25% क्या होता है? 5,000। तो टोटल कितना हो गया? 25,000। तो वो 25,000 पे लेके जा रहा है। जर्नल एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो एक्स के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। एक्स के डेबिट में लिखो पहले, एक्स का डेबिट आ गया, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री ये लिख रहा हूं मैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो एक्स के डेबिट में आएगा, नाम क्या लिखेंगे नीचे वाला, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख दो इन्वेस्टमेंट। ये लिखना जरूरी होता है इस चैप्टर में, कितने की वैल्यू? 25,000 की। तो एक्स को डेबिट हमने कर दिया, किसको क्रेडिट करना है? देखो जर्नल एंट्री ऊपर लिखी है रियलाइजेशन को, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय एक्स कैपिटल ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट, बाय एक्स कैपिटल ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट क्या अमाउंट आएगी? 25,000। पहली एंट्री हो गई। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, पहले यहां तक देखो क्या लाइन बनी राहुल पाड़म, एडजस्टमेंट में तुम्हारा हाथ ढीला है अभी। वाई टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट, सॉरी टुक ओवर द डेटर्स अमाउंटिंग टू 5,000 एट 4,000। वो कह रहा है मैं डेटर्स टुक ओवर कर रहा हूं, मतलब एक एसेट होती है ना डेटर भी, कहता 5,000 वाली लेकिन मैं 4,000 में लूंगा, तो बाकी डेटर्स कितने बच जाएंगे? रिमेनिंग डेटर्स अंदर देखो टोटल कितने थे? 15,000। 15,000 में से 5,000 वाले वो 4,000 में लेके जा रहा है, तो टोटल तो 5,000 के उसने उठाए ना, उठाए 4,000 में, तो बाकी बच गए 10,000। चीज समझ में आई? वाई टुक ओवर द डेटर्स अमाउंटिंग टू 5,000, कहता 5,000 वाले डेटर लेकिन मैं टुक ओवर करूंगा 4,000 पे में, तो बाकी डेटर तो 10,000 बच गए ना, पहले रिमेनिंग डेटर को लिखो 10,000। देखो राहुल एक बार फिर से लाइन पढ़ना, समझ में आई है? 4,000 में, मतलब देखा जाए 5,000 वाली यार कोई एसेट है, वो कहता मैं 4,000 में दूंगा, 1,000 का बिजनेस का लॉस हो गया, पार्टनर का फायदा हो गया। रिमेनिंग डेटर कितने के बच जाएंगे? 10,000 के। 10,000 वाले रियलाइज हो गए, रियलाइज मतलब पैसे मिल गए, कितने मिले? 75%, यानी कि 7,500 है ना, 7,500 हो गया। मतलब देखा जाए डेटर की दो ट्रांजेक्शन है, सीरियल वाइज करते हैं, पहले टुक ओवर की है तो पहली एंट्री बन जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जैसे ऊपर किया था एक्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, या वाइज कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो टू पार्टनर्स कैपिटल में लिख रहे हैं पहले हम, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में डेटर्स कितने के? 4,000 वाई में, क्योंकि वाई कह रहा है भाई मैं तो 4,000 में उठाऊंगा 5,000 वाली चीज, और बाय वाइज कैपिटल ब्रैकेट में डेटर, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाओ, बाय वाइज कैपिटल ब्रैकेट में डेटर 4,000। मतलब देखा जाए अब 5,000 के डेटर्स को हमने क्लोज कर दिया, किया 4,000 में, बाकी बच गए 10,000 के डेटर्स। 10,000 में से कितने की रिकवरी हो रही है? 7,500 की। जर्नल एंट्री सोचना क्या बनेगी, पैसा आ रहा है, डेटर ने हमें पैसा दे दिया, पैसा जब आता है तो क्या होएगा? पैसा जब आएगा कशिश हाथ नीचे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक के डेबिट में आ जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो बाय बैंक डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि पैसा आ रहा है, तो बाय बैंक ब्रैकेट में डेटर्स कितने के? 7,500 के। रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैंने लिख दिया, बैंक के डेबिट में लिख दो। क्या हमारे पास बैंक अकाउंट है अलग से? है तो पड़ा लास्ट, कैश यानी कि बैंक अकाउंट अलग से है पड़ा, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख दो, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में डेटर्स। सर एक बात बताओ हमें, जो 4,000 वाले डेटर थे वो बैंक में डेबिट क्यों नहीं किए? क्योंकि वो वाई टुक ओवर करके चला गया था, बेचे तो हमने सिर्फ 7,500 के, है ना, तो बैंक तो वो करता है कि जितने हमें पैसा मिला है। दो ट्रांजैक्शन हो गई, डेटर्स वाली हो गई और पहले इन्वेस्टमेंट वाली हो गई। थर्ड एडजस्टमेंट रीड करो, थर्ड वैसे बहुत आसान है। स्टॉक सेल हुए 59,000 का, प्लांट सेल हुए 40,000 का। जर्नल एंट्री सोचो, जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट,
टू रियलाइजेशन, तो बैंक के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, सेम जैसे अभी की है। तो बाय बैंक ब्रैकेट में क्या बेचा है हमने, पहला स्टॉक 59,000 का बेचा है, और उसके बाद प्लांट, प्लांट 40,000 का बेचा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख दिया, अब बैंक के डेबिट में लिख दो। बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन तो पहले ही लिखा हुआ है, और आ जाएगा स्टॉक, स्टॉक कितने का था, और क्या थी अगली आइटम, 40,000 की। इतना पैसा मिल गया तो बैंक को डेबिट कर दिया हमने। लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो क्या है, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 1,000, खर्चा हो गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, खर्चे की एंट्री यही होती है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिख दो टू बैंक ब्रैकेट में एक्सपेंस। टू बैंक ब्रैकेट में एक्सपेंस, और बैंक के क्रेडिट में लिख दो, क्योंकि पैसा गया तो बैंक के क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस। खत्म होगी एडजस्टमेंट की, है अभी पेंडिंग है, एक रहती है अभी ना। इट वॉज ऑल्सो फाउंड देर इज अ लाइबिलिटी 8,000 विच हैज टू बी पेड, देखा जाए तो सेम तो हो गया एक्सपेंसिस की तरह, ये भी तो खर्चा ही हो गया, तो सेम एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन के डेबिट में, बैंक के क्रेडिट में। तो पहले बैंक के क्रेडिट में ही लिख देते हैं। सर बैंक के क्रेडिट में क्यों आ रही है, क्योंकि पे कर रहे हैं ना, तो पे कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, तो ब्रैकेट में लिख दो लाइबिलिटी। जैसे खर्चा पे किया था ऐसे लाइबिलिटी पे कर देंगे, कितने की है, तो बैंक के क्रेडिट में कर दो। चलो वैसे ही मैंने लिख दिया, रियलाइजेशन के डेबिट में लिख दो टू बैंक, ब्रैकेट में डैमेज लिख दो या लाइबिलिटी फॉर डैमेज लिख दो, मैंने लाइबिलिटी लिख दिया अभी 8,000। कैपिटल के बैलेंस देखना, लिख दिया हमने पार्टनर्स कैपिटल के, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बस ये खत्म हो गया। बस अब आप लोगों को आंसर निकाल देना है, रियलाइजेशन का निकालना है सबसे पहले, प्रॉफिट और लॉस का। ओए होए होए, देख के ही डर लग रहा है। ओ हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ यार। इस क्वेश्चन में मेरे को ये भी तो देखना पड़ेगा, क्या मेरी कोई ऐसी लाइबिलिटी रह गई है जो मैंने पे ना की हो, तो आप अपने रियलाइजेशन में देख लो, प्रोविजन का कुछ नहीं करते। क्रेडिटर रह गया ना, क्रेडिटर रह गया, मिसिज एक्स का लोन रह गया, जब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में लाइबिलिटी के लिए कुछ ना दिया हो तो उसको आपको अपने आप पे करना होता है, और अगर एसेट्स के बारे कुछ नहीं दिया होता तो उसको भूल जाओ, लाइबिलिटी को जरूर पे करना है। एसेट मतलब ये सोच के चलना होता है कि एसेट्स नहीं बिकेंगी, लेकिन लाइबिलिटी वाले हमें माफ नहीं करेंगे, तो इनको पैसा देना है। एक हमने क्रेडिटर को 18,500 देना है, और एक मिसिज एक्स लोन को। तो पैसे पे करने की एंट्री क्या होती है, अभी अभी दो की है हमने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक फिर से। थैंक यू राहुल, बाय, सॉरी टू रियलाइजेशन, एक तो क्रेडिटर को पे कर दो 18,500, और किसको पे करने है हमने, मिसिज एक्स लोन को, मिसिज एक्स का लोन रीपे कर दो 5,000 का। क्या चीज, क्या पूछना कशिश, अभी अभी तो मैंने समझाया कि कोई क्रेडिटर की किसी की इन्फॉर्मेशन अगर एडजस्टमेंट में ना दी हो तो उसको अपने आप पे करना होता है, मतलब ये हमें याद रखने वाला पॉइंट है कि उसको आपने पे करना ही करना है, इसलिए मेरे को इनको पे करना पड़ गया। और बैंक के क्रेडिट में करो फिर, इन दोनों को बैंक के क्रेडिट में लिखो, बाय रियलाइजेशन क्या क्या पे कर रहे हैं हम, एक तो क्रेडिटर को पे कर रहे हैं, और क्या पे कर रहे थे, मिसिज एक्स का लोन, मिसिज एक्स का लोन 5,000 का। अमाउंट अलग अलग है, ऐसे नहीं लिख सकते। अरे यार लेकिन इधर मेरे को अलग अलग दिखाना पड़ेगा यार, इतना टाइम नहीं बचाना।
मिसेज, वो डेबिट साइड कर दिया था आपने, ये दो एंट्री कर दी थी 1,850 और 5,000 की रियलाइजेशन के डेबिट में, ये बैंक के क्रेडिट में करो, पे किया तो बैंक के क्रेडिट में भी तो आएगा ना। क्या आया डेबिट का टोटल? टू फाइव 257500। और किसी ने क्रेडिट का किया टोटल 18, 19, 500, 1900 और 5, 24, 25 और 7, 32 और 15, 57, 61, 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 61
167,500 ठीक है, मेरा भी यही आ रहा है। अब इसमें से माइनस करना 167,500, ये माइनस करना, कितना बनता है 257 बाय रियलाइजेशन लॉस, क्योंकि अब डेबिट साइड पे ज्यादा आया था तो लॉस निकल के आ गया 90,000 रुपीज। और तीनों पार्टनर एक्स वाई जेड का क्या कैलकुलेशन बनेगी, देखना रेशियो क्या थी क्वेश्चन में, 3:2:1। पहले का आ जाएगा 45,000, अगले का आ जाएगा 30,000, फिर आ जाएगा 15,000 बाय रियलाइजेशन लॉस। 45,000, 30,000 एंड 15,000 लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर दो, लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल में भी तो जाएगा ना, ये एक्स लोन नहीं पे करना था, मिसेज एक्स लोन कहां पे, अरे ये तो वो माइनस करना था ना, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर दो टू रियलाइजेशन लॉस। क्या क्या था पहले का, क्या था 45,000, 30,000 एंड 15,000, बस इसके आंसर निकाल के इनको पे कर दो। एक्स का बन रहा है 75,000, 75,000 में से 2545,4,2,6,70,000, मतलब एक्स का टोटल पैसा पड़ा है 75,000 और उसको उसका लॉस है 70, तो बाकी उसको पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट, 5,000 पे ही बैलेंस बच रहा है भाई साहब का, सिर्फ 75,000 में से सिर्फ 5,000 बच रहा है, उसको पे कर दो, मतलब उसके 60,000 के लॉस हैं। अच्छा दूसरे वाले का आ रहा है 66,000, 66,000 में से 34,000 माइनस करना, 32 नहीं 22 नहीं 32 बच रहा है, हाँ 32 पे कर दो उसको, 32 और 63, हाँ ये 45,000 समझ में आ रहा है, 45,000 उसका टोटल पैसा था जो उसने बिजनेस में लगाया था, लेकिन उसको लॉस हुआ 15,000 का, तो बाकी उसको 30,000 रुपया पे कर दो। अब जब हम ये पैसे पे कर रहे हैं तो कहीं बैंक अकाउंट में भी तो आने चाहिए ना, किस तरफ आने चाहिए, बैंक अकाउंट में, डेबिट में या क्रेडिट में, क्रेडिट में, क्योंकि पे कर रहे हैं बिजनेस, इनको ये पैसा पे कर रहा है तो ये सारा पैसा इनके क्रेडिट में चला जाएगा, बैंक के क्रेडिट में। किस किस को पे कर रहे हैं, बाय एक्स कैपिटल को, बाय वाई कैपिटल को, बाय जेड कैपिटल, कितना कितना पे कर रहे थे, एक्स को बताना, एक्स का, एक्स को 5,000, वाई को 32,000, वो तो एक्स का लोन है ना, वो करेंगे अभी, ये कैपिटल है, लोन अलग होती है, तो टू में थोड़ी आएगा, बाई में आएगा, हाँ बाई में आएगा, लेकिन अभी अपन एक एक करके कर रहे हैं, पहला रियलाइजेशन अकाउंट खत्म हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया, कशिश कोई डाउट है, अब लोन अकाउंट बंद करना रहता है ना, तो लोन अकाउंट पे आ जाओ, अब लोन अकाउंट में देखो बिजनेस ने लोन ले रखा है कि दे रखा है, बिजनेस ने ले रखा है, लाइबिलिटी साइड है तो पे भी तो करेंगे ना, तो टू बैंक, बस टू बैंक पे कर दो, 8,000 का पे कर दो बस, तो ये अकाउंट भी खत्म हो गया, लेकिन बैंक अकाउंट में से तो पैसा जा रहा है ना, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दो, क्या लिखोगे, बाय एक्स लोन अकाउंट। राहुल समझ आ गया, पहले अपने उनको कैपिटल रिफंड की है, ये वाली, ये कैपिटल रिफंड की है, ये उसका लोन रिफंड कर दिया,
देखना टोटल बराबर आ रहा है, 1000 और 8, 9, 9 और 18, 27, 27 और 10, 37, 37, 32, 69 और 30, 1, 9, एक सात पाँच सौ 10750. इस साइड का तो आ गया है, इस साइड का देखना, 1,75,000. बिल्कुल ठीक है जी, मतलब 1,07,500 शब्दों का चुनाव ध्यान से, 1,75,000, 1,07,500, ये आ गया दोनों का टोटल बराबर। अब आगे आ जाओ जी, ये समझ में आ गया कैसे क्लोज करने हैं। सर एक डाउट है, क्या हम पार्टनर्स कैपिटल पहले बना सकते हैं और एक्स का लोन अकाउंट बाद में बना सकते हैं? यस, वो कोई दिक्कत नहीं है। सर हम कैश बुक पहले बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि कैश बुक तो सबसे लास्ट में मैच होगी, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल और एक्स लोन अकाउंट को आप हेरा फेरी कर सकते हो, बाकी वैसे का वैसे चलेगा। आगे आ जाओ जी, इलुस्ट्रेशन नंबर 41 पे, 40 पे आ जाओ फिर। इलस्ट्रेशन नंबर 40, अमन और हर्ष वाला क्वेश्चन पे आना है। अमन हर्ष, अमन हर्ष, सिर्फ जर्नल एंट्रीज है। अमन एंड हर्ष वर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। वो कह रहे हैं हम दो पार्टनर्स थे, अब हम जुदा हो रहे हैं, जब हम जुदा होंगे, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग वेरियस एसेट्स अदर देन कैश और बैंक। कह रहे हैं कैश बैंक को छोड़ देना, एंड थर्ड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, कहते हैं वो हमने रियलाइजेशन में डाल दिया। पहली एंट्री, देर वॉज अ फर्नीचर 50,000, अमन टुक ओवर द 50% ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। राहुल तू ध्यान से समझ, क्या एडजस्टमेंट दी हुई है पहली? हाँ ठीक बोला रजत, बिल्कुल ठीक है जी, एक बार फिर से बोलना रजत। 25,000 वाली चीज वो 10% डिस्काउंट पे लेके चला गया, 25,000 का 10% क्या होता है? 2,500, तो बाकी क्या बच जाएगा? 22,500। 25,000 में से 10% माइनस कर दो, 22,500 में वो लेके जा रहा है। और रिमेनिंग फर्नीचर कितने का रह जाएगा, मेरे को लिखवाओगे रिमेनिंग फर्नीचर? हाँ जी, नहीं यार 32,500 का, मैं अभी रिमेनिंग फर्नीचर बोल रहा हूँ, 25,000 का ही तो बच जाएगा यार। 50% अमन लेके जा रहा है, तो बाकी 50% 25,000 ही तो बच गया। बाकी 50% का देखना क्या कर रहा है, बिजनेस बेच रहा है वो, सोल्ड 30% प्रॉफिट, मतलब देखा जाए तो दो एंट्रीज हो गई इसकी। चलो जी पहली एंट्री करते हैं, इलुस्ट्रेशन नंबर क्या है, 40, 40 है ना, चलो फर्स्ट एंट्री। अमन टेक ओवर करके लेके जा रहा है, किसी को जनरल एंट्री याद है? अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आजकल एक अमन शार्क टैंक पे भी आ रहा है, कोई देख रहे शार्क टैंक? आजकल वो नया रियलिटी शो जो चले, रियलिटी शो इंडिया का पहला ढंग का रियलिटी शो, मतलब जो हमारे कॉमर्स वालों के लिए है एक्चुअली, तो मतलब उसमें नए नए बिजनेसमैन आ रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं, तो जिसमें वो उनसे फंडिंग मांग रहे हैं, तो वो देखना एक बार। पहली अच्छी चीज जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि मतलब यू शुड वॉच। नहीं यूट्यूब पे भी दिखता है, हाँ जब फिर रहने दे। नहीं उसने देखना ही नहीं है, बात ही खत्म। चलो अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जिसको कुछ सीखना है तो ये वाला सीरियल अब थोड़ा बहुत तो आप देख सकते हो, मतलब बहुत मजेदार है। कैसे एक यंग बॉयज, मतलब 20-20, 21-21 साल के बच्चे, स्कूल वाले या कुछ भी, मतलब अपने आइडियाज लेके आ रहे हैं। एक एपिसोड मैं देख रहा था, उन्होंने क्या किया था, पुराने कपड़ों के ना वो बना रहे थे अपना ब्रांड। एक वो देखा था, एंटी सुसाइड फैन आया था एक, तो उन्होंने ना एक इनोवेशंस वाले निकले, एंटी सुसाइड फैन, कि अगर बाय चांस कोई वो लगाता है ना सुसाइड करता है और रस्सी लगाता है, जो सुसाइड करते हैं और रस्सी वगैरह लगाते हैं, चलो छोड़ो मेरा ये बैच ही ऐसे है, बोलने कहाँ देता है मुझे। चलो 22,500 पे,
गलती मुझसे होगी, मैंने कुछ बात शुरू कर दी थी। 22,500 पे ये अमन ने टुक ओवर कर लिया, बाकी बैलेंस कितने का बच गया जी? बैलेंस फर्नीचर बच गया 25,000 का। वो कंपनी ने बेचा है, फर्म ने तीस बेचा है परसेंट 30% का प्रॉफिट पे, तो ऐड कर दो प्रॉफिट 30%। 25,000 का 30% निकालना, 2500, 5,000, 7,500, 7,500। तो टोटल वैल्यू क्या बन गई फिर इसकी? 3 to 5 double 0 का ये बिजनेस ने सेल किया है, तो सोचो क्या जर्नल एंट्री बनेगी सेल करने की? पैसा आएगा या जाएगा? बिल्कुल ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 32,500, 32,500। कशिश सेकंड, ये लिख लिया आपने? फिर लिखो, बैठ क्यों गए हो? एडजस्टमेंट नंबर सेकंड पढ़ना बुक में से। पहले वो है कि प्रॉफिट एंड लॉस का पर्पस क्रेडिट बैलेंस बचा होगा तब हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे और ये तो पिछले चैप्टर्स का हैं। अब देखा जाए उठाया है। पीएनएल हाँ, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एबीसी जो भी है। पार्टनर्स के नेम देखना क्या क्या है। अमन एंड हर्ष। अकाउंट पी एंड एल अकाउंट डेबिट राहुल कहता है देख, और पी एंड एल डेबिट टू एबीसी कहता है ये क्या बच्चों वाली काम है ये? अब ये एंट्री पूछोगे हमसे? पिछले मतलब 3 4 महीनों से कर करके थक गए एंट्री, अब हमसे पूछने की बात है? राहुल आई लाइक योर एटीट्यूड इस एंट्री का। सिर्फ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू नेम क्या थे? अमन्स कैपिटल और हर्ष कैपिटल। टोटल कितना है पी एंड एल? 15,000 है, और 7,500 ये आ जाएगा, 7,500 ये आ जाएगा। ठीक है, एंट्री नंबर थ्री। हर्ष लोन, मतलब हमने उनसे 6,000 का लोन लिया था और यस, उन्होंने 2,200 दिया है, 6,200 दिया, तो बिजनेस को घाटा कितने का हुआ? घाटा हमेशा रियलाइजेशन में ना। अरे बिजनेस ने पे किया है। हाँ, ये कभी अगर कुछ ना दिया हो तो बिजनेस ने लोन ले रखा है, आई थी बिल्कुल। हर्ष लोन अकाउंट डेबिट 6,000, रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन के ब्रैकेट में लिख देना लॉस टू बैंक। पता है आप लोग बड़े पुट्ठे हो इस चैप्टर में। मैंने सोचा था कि मेरे को मतलब जर्नल एंट्री करवाते हुए मुझे नानी याद आ जाएगी, लेकिन जिस एंगल से मतलब आपको फॉर्मेट वाला है ना, जैसे जो फॉर्मेट्स इतने किए हैं उल्टा, उसमें मेरे को लग रहा है शायद थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लोन अकाउंट सा डेथ शायद कट है, मैं देखूंगा यार, मैंने देखा नहीं है। हाँ तो बाकी तो आएगा ही आएगा, वैसे भी वो एग्जीक्यूटर ये वो पेपर में कम होता है। जो बच्चे बोल रहे हैं डेथ चैप्टर समझ नहीं आया था, क्योंकि आप लोग राहुल तो उस पे भार डाल रहे हैं, छोड़ दे उसको ना, कर उस पे जोर मत डाल। हाँ वो कच्ची है, तो जिनको डेथ चैप्टर समझ नहीं आया तो समझ लो आपकी वो प्रैक्टिस नहीं हुई पे, घर पे कंसिस्टेंसी नहीं थी, छुट्टियां चल रही थी, तो ये सब चीजें हैं। ऐसा नहीं है चैप्टर तो मरा हुआ चैप्टर है, सबसे सौखा ही वही है, कुछ है ही नहीं। टू बैंक पे कितना किया जी? 6,200। चलो जी आगे। क्यों बोरिंग हो, अच्छा हो, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, यू हैव टू डू इट। ठीक है, किसी भी चैप्टर में चॉइस आई नहीं। एक मिनट मेरे को पढ़ने दो, फोर्थ एंट्री पढ़ ली है बाकियों ने? कशिश फोर्थ एंट्री पढ़ो। फर्म पेड, अच्छा बिजनेस ने पे किए हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष, हु हैड टू बियर द एक्सपेंसेस। हर्ष के खर्चे बिजनेस ने पे कर दिए, और किसने बियर, किसने करने थे बियर? मतलब देखा जाए तो हर्ष का खर्चा बिजनेस ने पे कर दिया, टू तो बैंक आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि फर्म पेड है, हर्ष डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हर्ष से हम वो पैसे ले लेंगे। दिया सोचो, अगर आप यही का यही सेम प्रैक्टिस घर पे लगाने लग जाओ, तो अगले दिन आप कॉन्फिडेंस देखो, चीज समझ में आती है। हाँ, हो सकता है, हम नहीं करते,
पाता और करता में बहुत फर्क होता है। होमवर्क जिस दिन करके आते हो ना, आपका अगले दिन ना क्लास का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ऑटोमेटिकली वो मोरेल आपका ऊपर हो चुका होता है। रीजन क्या है? क्योंकि पिछले दिन आप प्रैक्टिस करके आए हो दो बार, एक बार ट्यूशन पे, एक बार घर पे। एंट्री बोलो इसकी क्या एंट्री होनी थी? हर्ष डेबिट नहीं, हर्ष कैपिटल डेबिट। हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बिजनेस ने तो पे किए हैं 5,000। अगली एंट्री कौन सी है? बिल। इसको लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आई है ये एंट्री। इसको लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर्ष नहीं, देर वॉज अ बिल फॉर 1200 अंडर डिस्काउंट। द बिल रिसीव्ड फ्रॉम सोहन हु प्रूव्ड इनसोल्वेंट। इनसोल्वेंट हो गया, फाइनल डिविडेंड 2500, 25% ना। मतलब इंसॉल्वेंट का मतलब होता है चेक डिसओनर हो जाना। तो सबसे पहले आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, फिर आपको सिर्फ 25% मिलेगा। तो पहले हमें पे करने पड़ेंगे ये पैसे। तो ये वाले पैसे पे करने की एंट्री करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। नहीं, पहले हमें पूरे पे करने पड़ेंगे। जब भी इंसॉल्वेंट या डिसओनर हो जाता है तो हमें पहले फुल अमाउंट पे करनी पड़ती है, फिर उसके बदले में थोड़े पैसे मिलेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो फुल अमाउंट बताना क्या है। हाँ, इसकी नरेशन लिखवा रहा हूं मैं। फर्स्टली फर्स्टली फुल अमाउंट इज पेड टू बैंक। फर्स्टली फुल अमाउंट इज पेड टू बैंक इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट और डिसओनर। ये पूरी लिखनी है, इंसॉल्वेंट और डिसओनर। पूरी अमाउंट हमने पे कर दिया, देखो टू बैंक को हमने कर दिया 1200। हमें कितने परसेंट पैसा मिल रहा है अब? 25% मिल रहा है। तो बैंक टू रियलाइजेशन एंट्री उल्टी कर दो। 340 गलत है, 340 गलत है, दोबारा कोई और निकालना। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यार 1200 का 25% 300 होते हैं। 300 सॉरी मैम, 300 सॉरी नहीं, 300। अच्छा, तो फिफ्थ एंट्री ये है। किस केस में हमने पहले पैसे पूरे देने हैं? इंसॉल्वेंट या डिसओनर के केस में पहले पूरे पे करने हैं, फिर जो भी पैसे हैं मिल जाएंगे। हो गई एंट्री नंबर 6। क्रेडिटर्स टू होम ओड 6000 एक्सेप्टेड ऑफ स्टॉक ऑफ 5000 एट डिस्काउंट ऑफ 5%। एक क्रेडिटर देखना, क्रेडिटर को हमने ओरिजिनली कितने पैसे देने हैं, उसने क्या एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन 5000 का स्टॉक वो भी डिस्काउंट पे। 5000 का 5% होता है 250, 250। तो देखा जाए तो 5000 वाली चीज उसने 47250 पे एक्सेप्ट की है। जब कोई क्रेडिटर टेक ओवर करे, देखते हैं एक बार कितना बनता है। क्रेडिटर है 6000, वो कह रहा है कि मैं 5000 वाली चीज लेकिन डिस्काउंट पे 6000 लेना है, 5000 वाली देना चीज है। देना है। इधर देखना, 5000 हमने देना था, 6000 देना था। कह रहा मैं 5000 वाली चीज उठा रहा हूं, लेकिन उठाऊंगा इतने पे, 4750 पे। बाकी मैंने कितना पे करना है उसको फिर? बैलेंस मतलब हाँ, कितना निकाल के दिखाओ मेरे को। 1250। 1250, ये मेरा बच गया बैलेंस। एक बार फिर से देखो, 6000 पे करना था। वो कह रहा मैं 5000 का स्टॉक टेक ओवर कर रहा हूँ, लेकिन एट अ डिस्काउंट, मतलब कि 4750 पे। तो 6000 में से 4750 का वो स्टॉक लेके चला गया, बाकी जो बैलेंस है देखना क्या करना है उसका। पढ़ना देना है तो रियलाइजेशन टू कैश। मेरे हिसाब से क्योंकि रियलाइजेशन डेबिट बैंक डेबिट नहीं, बैंक डेबिट क्यों? तो बैंक डेबिट होगा अगर पैसे जा रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1250, बस ये एंट्री होगी। और वो जो 4750 की है, वो एसेट्स को टेक ओवर करके जा रहा है, उसकी एंट्री नहीं होती, तो उसको लिख देते होते हम नो एंट्री। यस, तो नो एंट्री लिख के आने। उसके बाद लास्ट एंट्री देखना क्या है, लॉस ऑफ डिसोल्यूशन। अरे वो रियलाइजेशन वाला, तो लॉस का अभी P&L को बांटा था, तब आपने एंट्री कुछ और की थी। लॉस की रिवर्स कर दो, क्या एंट्री बननी चाहिए इसकी? पार्टनर कैपिटल
राहुल कहता है ये एंट्री मुझसे मत पूछा करो, मतलब ये क्या बच्चों ने, ओ यार ये डेबिट टू रियलाइजेशन बस मुकाऊ। पार्टनर्स के नेम क्या है यहाँ पे? अमन्स कैपिटल डेबिट, हर्ष कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन 4,000, 4,000, 8,000। नहीं अगे करेंगे इसके साथ वाला ही क्वेश्चन, इससे पहले वाला। 6 बजे नहीं है, 5:57। 40 मिनट की क्लास हुई है अभी तक, सिर्फ 40 मिनट्स की फिर हमारी स्पीड अच्छी है, स्पीड बढ़ गई। 3-4 मिनट लगेंगे, ये क्वेश्चन कर लेते हैं।